ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, क्या ट्रेडमार्क ही कॉपीराइट है, कॉपीराइट ही ट्रेडमार्क है, या दोनों अलग हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है? अगर ये ऐसे सवाल आपके पास हैं, अगर ऐसे आपके डाउट्स हैं, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हुसैन गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक बिजनेस के नॉलेज देता हूँ कि म्यूजिक बिजनेस के बारे में आपको एज एन आर्टिस्ट क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अगर आप नए हो चैनल पे और आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ ये पूरी प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा कार्ड्स में, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट और म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज जानना चाहते हैं, तो यू विल लव दिस वीडियो एंड यू विल लव दिस चैनल ऑल्सो एंड यू विल लव द होल प्लेलिस्ट। तो प्लीज वो जाकर चेकआउट कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो बिना किसी डिले के आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो है कॉपीराइट्स वर्सेस ट्रेडमार्क। कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, और इन दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं कि कॉपीराइट क्या होता है और खुद से कैसे करना है, ट्रेडमार्क क्या होता है और वो खुद से कैसे करना है। वो वीडियोस आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो, बट स्टिल ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। इनफैक्ट मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन रहती है कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या है, किस चीज को हम कॉपीराइट कराएं, किस चीज को हम ट्रेडमार्क कराएं, उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और अगर कोर्सेज की बात करी है मैंने, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑडियो इंजीनियरिंग यानी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, इन तीनों चीजों के इन डिटेल कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में लॉन्च करे हैं। और वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो वाले कोर्सेज नहीं है, वो लाइव कोर्सेज हैं जिसमें आप लाइव मुझसे क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे स्टूडियो में आकर भी सीख सकते हो, और मैं ही उस कोर्स में क्लासेस देता हूं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड मुझसे पर्सनली सीखने में म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक बिजनेस, अगर आप साथ में सीखना चाहें, अलग से सीखना चाहें, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, बैक टू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं। ट्रेडमार्क एक्चुअली एक कंपनी के नाम के लिए होता है। जैसे मेरा रियल नेम सर गामा नहीं है, सर गामा मेरा आर्टिस्ट नेम है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम सर गामा नहीं रखा था, मेरा लीगल नेम हर्ष है। बट जब मैं म्यूजिक रिलीज कर रहा हूँ, तो मैं हर्ष के नाम से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना म्यूजिक सर गामा के नाम से रिलीज कर रहा हूँ। तो मतलब वो एक डिफरेंट एंटिटी है जो किसी भी तरीके से मुझसे रिलेटेड नहीं है। मैंने एक दिन सोचा, अपने दोस्तों से बात करी, हमने नाम ढूंढा कि सर गामा अच्छा नाम लग रहा है, तो आप अपना आर्टिस्ट या स्टेज नेम सर गामा रखो और उस नाम से गाने रिलीज करो, जस्ट लाइक न्यूक्लिया। बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, आई लव हिज वर्क, आई एम अ फैन ऑफ न्यूक्लिया। तो न्यूक्लिया के जो गाने हैं वो न्यूक्लिया नाम से रिलीज होते हैं, बट उनका रियल नेम इज नॉट न्यूक्लिया, उनका रियल नेम इज उद्यन सागर। तो जब वो न्यूक्लिया के नाम से गाने निकालते हैं, तो उस नाम को उस इंसान के साथ कैसे जोड़ा जाए। मान लीजिए मैंने सर गामा के नाम से गाना निकाला, कल को कोई भी थर्ड पर्सन आके बोलेगा कि यार ये जो गाने निकाले हैं वो तो मेरे हैं, सर गामा मेरी कंपनी है, तो मेरे पास क्या प्रूफ है उस चीज का कि सर गामा उसकी कंपनी नहीं मेरी कंपनी है। देयर इज नो प्रूफ। उसके लिए वी यूज ट्रेडमार्क। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नई कंपनी या कोई एक ऐसी नई एंटिटी जो आप मेड अप नेम से स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप अगर अपने नाम के अंडर ट्रेडमार्क कराओगे, तो दैट इज़ ए लीगल प्रूफ। आपके पास एक लीगल सर्टिफिकेट होगा कि इस नाम की और इस लोगो की जो कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो उस कंपनी के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस जो भी है उस कंपनी का, वो सब आपका है। सर गामा मैंने ट्रेडमार्क कराया है अपने नाम पे, तो सर गामा से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैं ओन करता हूँ, मेरे पास उसका लीगल प्रूफ है, क्योंकि सर गामा का ट्रेडमार्क मेरे नाम पे है, आई ओन दैट कंपनी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क के अंदर भी काफी चीजें होती हैं। जैसे आप लगा लीजिए, आपने देखा भी होगा कई कंपनीज के नाम के आगे ना TM लिखा होता है छोटा सा, TM स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क। अब एप्पल है, एप्पल एक कंपनी है, एप्पल कंपनी का लोगो देखते हैं आप समझ जाते हैं कि एप्पल का लोगो है, वो एप्पल का लोगो ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। वो कंपनी का लोगो आप ट्रेडमार्क कराओगे तब आप उस कंपनी के ओनर बनोगे। मतलब आपने कोई भी एक डिफरेंट एंटिटी ली, कोई डिफरेंट नाम लिया, जिस नाम से आप एक एंटिटी यूज करना चाहते हो, उसे कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो उसको ओन करने के लिए आपको उसे ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क के बहुत सारे कंप्लाइंसेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान रखना होता है। ट्रेडमार्क वर्सेस वर्डमार्क, वर्डमार्क भी एक ट्रेडमार्क की तरह होता है, पर वर्डमार्क के अंदर आप लोगो यूज नहीं कर सकते, आप अपने नाम को ही कॉपीराइट या आप अपने नाम को ही ट्रेडमार्क कराते हो। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने अपनी ट्रेडमार्क की वीडियो में बात करी है, पर थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंपनी खोल रहा हूँ या उसको ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूँ, तो वो इंडिया में क्लास 41 के अंडर ट्रेडमार्क होगी। और जब वो ट्रेडमार्क हो जाएगी,
तो उस नाम की और उस जैसे सेम लोगो की कोई भी और कंपनी उस पर्टिकुलर क्लास में दोबारा ट्रेडमार्क नहीं हो सकती। तो मतलब मेरे जैसे नाम और मेरे जैसे लोगो को यूज़ करके कोई और इंसान म्यूजिक बिजनेस के अंदर खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद को कर चुका हूं वहां ट्रेडमार्क। तो क्लास 41 के अंदर देयर कैन बी नो मोर सर गामा विद माय लोगो, तो मेरा लोगो कहीं भी यूज हो रहा है बिना मेरी परमिशन के, मैं उनको लीगली सू कर सकता हूं या फिर मैं उनकी चीजों को कॉन्फिस्केट करके उन पे लीगल नोटिस दे सकता हूं कि आप ये गलत कर रहे हो, मेरे पास ट्रेडमार्क है, आप ये जो कर रहे हो वो सब इलीगल है। ये होता है ट्रेडमार्क। सो बेसिकली ट्रेडमार्क का एक जिस्ट ये हुआ कि आप किसी एक एंटिटी या किसी एक कंपनी के नाम को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एरिया के अंदर ट्रेडमार्क करा लोगे तो आपके जैसी सेम नाम की और सेम लोगों की कोई और कंपनी नहीं खोल पाएगा। जैसे कि ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने जिस क्लास के अंदर उनका बिजनेस आता है, क्लोथिंग अपैरल जिस क्लास के अंदर आता होगा, उन्होंने अपना लोगो और अपना नाम ट्रेडमार्क करा लिया, तो सेम लोगो और नाम के साथ कोई और इंसान ज़ारा नाम की कंपनी नहीं खोल सकता। गेट इट? दैट इज ट्रेडमार्क। एंड कॉपीराइट होती है चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आपने गाना बनाया, प्रोडक्ट्स का कॉपीराइट होता है। आपने गाना बनाया वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर जो मेलोडी है, जो उसकी धुन है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसके जो लिरिक्स हैं, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक की कॉम्पोजिशन है, वो सारी चीज़ें आपने बनाई, आप उसको ओन करते हो। तो जब आप उसको कॉपीराइट कराओगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई और चुरा नहीं सकता। प्रोडक्ट को सेव करने के लिए आपको कॉपीराइट करवाना है, किसी कंपनी या एंटिटी का नाम सेव करने के लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना है। आप किसी गाने को ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट बचाना है, आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट ना चुराया जाए, तो इसलिए आप वो प्रोडक्ट को बचाओगे, उसके लिए आपको कॉपीराइट कराना है। पर ट्रेडमार्क इज अ डिफरेंट थिंग। अब आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा इन दोनों में डिफरेंस। जो कॉपीराइट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को बचाने के लिए होता है। अगर मेरा गाना है, मैं उसे कॉपीराइट करवाऊंगा क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, गाने का नाम है, गाने के अंदर मेलोडी है, बीट है, बहुत सारी चीज़ें। हमारा पूरा म्यूजिक बिजनेस इसी चीज़ पे बेस्ड है। हम यूट्यूब पर अपना गाना डालते हैं, कोई और आपका गाना यूज़ करे तो उसे कॉपीराइट क्लेम चले जाता है कि ये गाना जो आप यूज़ कर रहे हो ये किसी और का है, इसका कॉपीराइट किसी और के पास है। तो आप गाना यूज़ तो कर लो, पर वीडियो जो पैसा कमाएगी वो हम उस आर्टिस्ट को दे देंगे। सो दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट प्रोडक्ट्स के ऊपर किया जाता है, जैसे पेंटिंग्स हो गई, इनफैक्ट कोई ऐप हो गई, ऐप का जो कोड होता है वो भी कॉपीराइट करवा सकते हो, पेंटिंग्स कॉपीराइट करवा सकते हो। जब बुक्स पब्लिश होती हैं, जो पब्लिशिंग होती है, बुक्स बनती हैं, तो जो बुक का कंटेंट है आप उस पूरी बुक को कॉपीराइट करवा सकते हो, प्रोडक्ट्स को कॉपीराइट करवा सकते हो। पर बुक की जो कंपनी का नाम है, लेट्स सपोज ABC प्रेस एक कंपनी है जो बुक रिलीज कर रही है, उसकी बुक का नाम है XYZ, तो XYZ बुक जो है उस बुक को हम कॉपीराइट करवाएंगे, पर जो कंपनी बुक रिलीज कर रही है उस कंपनी का नाम हमेशा ट्रेडमार्क होगा, वो कॉपीराइट नहीं होता है। कंपनी का नाम इज टू बी ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट को हम कॉपीराइट करवाएंगे। और इन दोनों को सेपरेटली समझने के लिए इन डिटेल दोनों की वीडियोस आप यहां पर ऊपर देख सकते हो। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ज्यादा नॉलेज जानने के लिए, नई नई चीजें जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं या अभी भी आपके पास कोई डाउट है, तो मैं कमेंट के अंदर कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। और एक डिस्क्लेमर है, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी कॉपीराइट लॉयर या फर्म लॉयर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉयर्स और अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप उनसे बात करें, वो आपको काफी अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और इसके अंदर करने में हेल्प भी वो आपकी ज्यादा कर पाएंगे। तो प्लीज कंसल्टेशन लें, इन चीजों को समझें, उसके बाद ही कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड इसके ऊपर एक्शन लें। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और यूज़र नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहीं यूट्यूब पे एक छोटा सा थैंक्स का बटन है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर आप बाय मी अ कॉफी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर हम काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स, बातचीत और कनेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से और फीडबैक देते हैं एक दूसरे को। तो प्लीज़ ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका नाम है गामा हेडक्वार्टर्स, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले हफ्ते मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नया टॉपिक, न्यू नॉलेज, न्यू इंसाइट। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।